हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप यूज केस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली यूज केस होता क्या है, यदि मैं बात करूं कि आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर दिखाना है कि कौन कौन पर्सन आपका क्या क्या प्रिविलेजेस यूज कर सकता है। यदि आपका जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है या पर्टिकुलर ऐप या वेब है, उसमें आपके कुछ पैनल्स हैं, मे बी है एडमिन पैनल और यूजर पैनल और टू बी डिफरेंट पैनल्स। तो उसके लिए आप शो करेंगे कि यूजर पैनल जो है, यूजर जो डैशबोर्ड है, वो क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या क्या वो वर्क कर सकता है, कौन कौन सी चीज को एक्सेस कर सकता है। क्लियर? तो उसके लिए मैं आपको एंट्री आपका जो है कैसे बनाते हैं, एक्टर्स क्या होते हैं उसके अंदर, ओवल्स के फॉर्म में क्यों लिया जाता है और किससे किसको कनेक्ट करना है, ये सब हम इस क्रैश से देखेंगे। बेसिकली मैं इसके लिए कैनवा का यूज करूंगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर कैनवा ओपन कर चुका हूँ। मैं क्लिक करूंगा क्रिएट अ डिजाइन और यहाँ पर लिखूंगा यूज केस डिजाइन। क्लियर? तो यहाँ पर आपको आ जाएगा यूज केस डायग्राम व्हाइट बोर्ड, या तो आप सिंपल व्हाइट बोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं या आप यूज केस व्हाइट बोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर व्हाइट बोर्ड। क्लियर? तो इसके बाद मैं यहाँ पर एलिमेंट्स पे जाऊंगा। एलिमेंट्स पे जाने के बाद यहाँ पर लिखूंगा एक्टर। क्लियर? तो यदि आपके पास कोई एक्टर पर्टिकुलर होगा तो यहाँ पर ग्राफिक के फॉर्म में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पर कुछ और डालकर देख लेता हूँ। बेसिकली हमारे पास अल्टरनेटिव भी है। यदि आप कैनवा से नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, draw.io। उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, यूज केस को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? ये आपको थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगेगा। फ्लो चार्ट मेकर एंड ऑनलाइन डायग्राम सॉफ्टवेयर, तो ये जैसे ही ओपन होगी यहाँ पर मेरे को इसको एक्सेस देना होगा कि मैं ऑथराइज करता हूँ ड्राइव की लिंक में। यहाँ पर मेरे को उसकी मेल की आईडी देनी होगी, मैं अपनी पर्टिकुलर जीमेल पास कर देता हूँ यहाँ पे। सो ये सारी प्रोसेस होने के बाद आप एक्सेस कर पाएंगे एक draw.io का जो भी आपका इंटरफेस है उसको। क्लियर? तो मैंने ऑथराइज कर दिया है इसको। क्लियर? क्रिएट अ न्यू डायग्राम, वहां पर मैं बोलूंगा कि ब्लैंक डायग्राम मेरे को दे दीजिए। यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा इसको ब्लैंक डायग्राम पे जाके, और आप देख सकते हैं यूज रूट फोल्डर। मैं बोल दूंगा यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जस्ट आप एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। आप पर्टिकुलर एक फोल्डर में अपने सारे के सारे चार्ट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मेरा जो है वो डैशबोर्ड आ चुका है। मैं draw.io की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सिंपल सबसे पहले मैं बताऊंगा एक्टर। बेसिकली एक्टर क्या होता है आपका, जो कि आपको डिफाइन करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कौन कौन है। मैं यदि यूजर की बात करूं तो एक यूजर होता है, दूसरा आपका पर्टिकुलर एडमिन भी होता है, और आप तीसरा मीडिएटर भी, इसमें कोई क्लाइंट या कोई ऐसा मंडी वगैरह का कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वहां पर आप कोई कोई पर्टिकुलर जो है वो मंडी से रेट अपडेट करता है, तो वो एक दूसरा एक्सेस होगा। क्लियर? तो उसके लिए आप दूसरा कोई भी पर्टिकुलर एक्टर लेंगे तो वहां पर तीन एक्टर हो जाएंगे। यदि आपके प्रोजेक्ट के अंदर और भी कुछ आपके डैशबोर्ड्स हैं, यदि कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में ऐसा कोई है जो, जैसे यदि मैं बात करता हूँ कॉलेजेस की, तो उसमें आपकी जो टीचर्स एक पर्टिकुलर एक्टर हो सकते हैं। यदि मैं स्टूडेंट की बात करूँ तो वो एक एक्टर हो सकता है। यदि मैं बात करूँ एडमिन की तो वो एक एक्टर हो सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से एक्टर्स जो होते हैं वो आपको डिफाइन करते हैं कि क्या क्या फंक्शनलिटीज वो यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद मैं लेता हूँ जो ओवल होता है, ये ओवल की साइज बात करता हूँ, एलिप्स में होता है। इसमें आप डिफाइन करेंगे कि टास्क क्या है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ लॉग इन। क्लियर? तो आप पर्टिकुलर एक यूजर भी होगा वो भी लॉग इन करेगा, और यदि मैं बात करता हूँ कि कोई भी एडमिन होगा वो भी आपका लॉग इन करेगा। क्लियर? यदि मैं इसका एक्टर को चेंज करके यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका हो गया है यूजर। इसको मैं कॉपी करूंगा और मैं बोलूंगा, सॉरी, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, कॉपी करके एक बार और पेस्ट करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। क्लियर? अब उसके बाद लिखूंगा इसको एडमिन। क्लियर? एडमिन लिखने के बाद मैं बोलूंगा कि जो यूजर है उसको प्रिविलेजेस देने हैं कि वो लॉग इन करेगा। क्लियर? रजिस्टर करेगा। उसके लिए मैं एक और ओवर ले लेता हूँ, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। इस पर्टिकुलर को कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको चेंज कर दूंगा कि ये यहाँ पर ये रजिस्टर भी करेगा। क्लियर? रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने के बाद क्या होगा, बेसिकली ये लॉग इन करेगा, तो मैं जो है रजिस्टर का जो पर्टिकुलर जो करने का एरो जाएगा वो मैं यूजर के थ्रू जाऊंगा, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दूंगा, और जो आपका लॉग इन है, क्लियर, मैं इसको कॉपी करता हूँ, या यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके और भी ले सकते हैं। आपका यूजर है वो लॉग इन भी करेगा और आपका जो एडमिन है वो भी आपका लॉग इन करेगा। क्लियर? तो मैं इसको यहां से कनेक्ट कर देता हूं और इसको मैं यहां पर बोल देता हूं कि आपका
एडमिन भी लॉग इन करेगा। बेसिकली ये एडमिन लॉग इन होगा और ये आपका यूजर लॉग इन होगा। ये आपको थोड़ा सा इन फ्यूचर यदि मेंशन करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप देखें तो समझ जाते हैं कि इसके क्या प्रिविलेजेस हैं, इसके क्या प्रिविलेजेस हैं। क्लियर? तो ये मेरा लगभग फ्लो है जो क्लियर हो चुका है कि लाइक आप बताना क्या चाहते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ क्या, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि लाइक आपका जो है जो एडमिन है वो आपका रिकॉर्ड को मैनेज करता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मैनेज, यहाँ पर लिखूंगा मैनेज रिकॉर्ड्स। क्लियर? तो यहाँ पर मैं मैनेज रिकॉर्ड में जो प्रिविलेजेस है ये आप एरो के थ्रू किसके देंगे, आप देंगे यहाँ पर आपका एडमिन को। क्लियर? तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि आपका जो एडमिन है वो मैनेज रिकॉर्ड कर सकता है। उसके बाद यदि मैं और भी सारे ओवल्स ले लेता हूँ, सिंपल इसी को कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, और सिंपल यहाँ पर क्या देता हूँ, मैं देता हूँ कि जो आपका यूजर है वो आपका बुकिंग कर सकता है। क्लियर? कोई भी ऐसी वेबसाइट है जिसमें बुकिंग होती है। क्लियर? तो यहाँ पर जो बुकिंग है वो यूजर कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको लाइक एरो से कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से कि ये जो है बुकिंग कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं, आपको क्लियर हो रहा है कि कुछ चार पांच फंक्शनैलिटीज हैं जो कि आपकी कौन है, क्या क्या कर पाता है, किसके अंडर में क्या क्या आता है, तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज केस डायग्राम। क्लियर है? तो ये आपका बेसिकली यूज केस होता है। इसमें आपके कुछ और भी लाइक फंक्शनैलिटीज आ सकती हैं कि आप बुकिंग कर सकते हैं, आप मैनेज रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप लाइक डेटा को देख सकते हैं, आप बिल्स को प्रिंट कर सकते हैं जो आपने बुक किया है। क्लियर? उसके बाद आप कैंसिल कर सकते हैं अपनी बुकिंग को। उसके बाद जो आपका एडमिन है वो आपकी बुकिंग्स को कंफर्म कर सकता है। तो ये सारी की सारी फंक्शनैलिटीज आप ओवल्स के फॉर्म में यहाँ पर इनको दे देंगे। क्लियर? इसके बाद मैं यदि इसको सेलेक्ट ऑल करके या किसी भी तरीके से डाउनलोड करना चाहता हूँ तो सिंपल मेरे को यहाँ पर जाकर लाइक इसको सेव करना होगा। शेयर पे जाके आप अपने लाइक आप दो जन साथ में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिंक पास कर सकते हैं। क्लियर? तो ये ड्रा.io का फीचर्स है। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर यूज केस डायग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। इन अ नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कैनवा पर स्टाइलिश फॉर्म में या डिजाइन में या कलर फॉर्म में आपको यूज केस डायग्राम बनाना बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। थैंक यू।